चलो अब शुरू करते हैं इंडिया का फिजिकल फीचर्स। एक्चुअली तो इंडिया जो है वो बेसिकली सेवन रीजन्स में बांटा जा सकता है। सेवन फिजिकल जो हैं वो रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें इंडिया को बांट सकते हैं अपन। जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की। तो नॉर्थ से चालू हो जाएंगे अपन, और नॉर्थ में अपने पास सबसे पहले आएगा माउंटेन रेंजेस में हिमालय। तो ये वाला रीजन मेजरली जो है वो हिमालयन रीजन है। अब हिमालय जो है वो किस तरीके से फॉर्म हुए, हमें पता है कि हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है, और ये फोल्डिंग होने की वजह से जो एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, और इंडियन प्लेट जो है उसके दोनों के टकराने की वजह से जो है हिमालय का फॉल हुआ है। बट इसमें खास बात ये है कि हिमालय जो है वो दो जगह से बेंड है, स्पेशली यहां पर और एक यहां पर। तो इन दो जगहों पर, इस वाली जगह और इस वाली जगह पर स्पेशली जो है वो बेंडिंग ज्यादा है, प्रेशर यहां पे ज्यादा है। यहां पे ये एकदम से टर्न लेता है, इधर एकदम से टर्न लेता है। ये दो जगह हैं जो है वो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हिमालय की स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इस हिमालय को जो है वो नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। तो हिमालय को उस तरीके से डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मार्क कर लेना, द माउंटेन्स। फर्स्ट फिजिकल ऑफ इंडिया, फीचर ऑफ इंडिया इज द माउंटेन्स। अब यहां पर इस माउंटेन रेंज के अंदर, यहां से ही चालू करेंगे अपन, सबसे पहले जो बैंड था उससे पहले की तरफ, यानी कि एक तरीके से इस रीजन के अंदर जो हिमालय है इसको यहां से हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है वो मिलेगी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे है। हिंदू कुश माउंटेन जो है वो हिमालय का इधर वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न एक्सटेंशन है। फिर हिंदू कुश के बाद में ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिमालय पूरा, ये वाला हिमालय पूरे को इसको कहते हैं जम्मू हिमालय। जम्मू हिमालय के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंज आती है, जिसको हम नॉर्थ से साउथ आगे देखेंगे, बट मेजरली ये पूरा रीजन जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है इसको जम्मू हिमालय कहते हैं। इसके बाद में यहां पर पंजाब हिल्स है, ये वाला पूरा एरिया इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, जो पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। फिर जो उत्तराखंड के अंदर हिमालय, इनको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा, ये एटलस में नहीं मिलेगा, ये चीज एटलस में नहीं मिलेगी जो मैं नाम बता रहा हूं। यहां पे पंजाब हिल्स, पंजाब हिमालय, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया से अड़ता हुआ जो इलाका है पूरा, क्योंकि पहले हिमाचल अलग प्रदेश नहीं था, पंजाब का हिस्सा था, पंजाब हिमालय। फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल आ जाता है। नेपाल में एक्चुअली काली नदी यहां से निकलती है, काली नदी जो है वो एक तरीके से हिमालय को यहां से अलग कर देती है। नेपाल में जो हिमालय है यहां पर जो है वो अपने को मिलेगा महाभारत रेंज, महाभारत रेंज के नाम से लिख रखा होगा, जो नेपाल का मैप है वो देखेंगे तो उसमें लिखा मिल जाता है, बट यहां मार्क कर लेना, लिख लेना महाभारत रेंज। ये यहां तक भूटान सिक्किम तक चालू होता है, पूरा कंटिन्यू होता है, और फिर उसके बाद में जो है वो असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। ये वहां तक कंटिन्यू होगा जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होती है। इसके साउथ में यहां पे पटकाई भूम और अरकम योम, पटकाई भूम और अरकम योम,
तो ये है हिमालय को इस तरीके से अपन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में बांट सकते हैं, अलग अलग माउंटेन रेंजेस हो गई, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में इस तरीके से देखा हमने हिमालय को। अब यहां पे हमें हिमालय को मेजरली नॉर्थ से साउथ देखना है, तो अब इस वाली तरफ देखना, यहां पे हिंदू कुश माउंटेन लिखा होगा, हिंदू कुश माउंटेन के नॉर्थ में पामीर लिखा होगा, हिंदू कुश के ऊपर पामीर था जो हमने चाइना में मार्क किया था। पामीर जो है वो तिब्बत प्लेटू का हिस्सा था पामीर नॉर्थ के नाम से, और पामीर नॉर्थ के साउथ की तरफ में यहां पे काराकोरम माउंटेन लिखा होगा। तो हिंदू कुश, पामीर और काराकोरम ऐसे आते हैं रेंज में। काराकोरम जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, काराकोरम जो माउंटेन है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हिमालय से बनने की फॉर्मेशन से अलग है और पहले से बने हुए हैं, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। जो हिमालय फोल्ड होने से बने तो ये उससे पहले से मौजूद थे, इस वाली तरफ में जो एरिया था प्लेट्यू रीजन था उसको ही जो है वो फोल्ड होने से ये बन गया काराकोरम माउंटेन। तो ये काराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम से नीचे जाने पर काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज के नीचे में लद्दाख रेंज और फिर उसके बाद में हिमालय की सबसे ऊंची रेंज जिसको यहां पर हम जस्कर के नाम से जानते हैं, जस्कर माउंटेन। हम एक पेज पलटेंगे तो जम्मू कश्मीर का मैप दे रखा है, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है। सबसे नॉर्थ में काराकोरम मिलेगा, काराकोरम के बाद में लद्दाख रेंज मिलेगी, लद्दाख रेंज के नीचे जो है वो जस्कर मिलेगा। जस्कर जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची वाली जो श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर जस्कर आता है, जिसको सबसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है या जिसको जो है वो हिमाद्री बोला जाता है, द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं इसको आम भाषा में, या इसको जो नाम दिया गया है सबसे ऊंचे हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है। तो हिमाद्री हिमालय का हिस्सा है जिसको जम्मू कश्मीर में जस्कर बोलते हैं और नेपाल में इसको जो है वो महाभारत रेंज बोलते हैं। अब यही पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी में मिलेगी। जैसे यहां पर काठमांडू के पास में माउंट एवरेस्ट, इधर नेपाल में काठमांडू के पास में माउंट एवरेस्ट जो है वो इसका इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जस्कर का हिस्सा है, जस्कर में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जस्कर का हिस्सा है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां आती ही जस्कर में है। यानी कि अगर मैं इस मैप से समझने की कोशिश करूं तो इधर की पहाड़ियां जिधर से मैं देख रहा हूं साउथ की तरफ से, तो पहाड़ियां नीची है, पर जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो जो हिमाद्री हिमालय है, यानी कि सबसे ऊंचा हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं, सॉरी द ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, और ये पूरे हिमालय में फैली हुई है, जो कि पूरे जो कश्मीर से लेकर जो है वो पूरा अपन काठमांडू तक जाएंगे तो भी ये पूरा हिस्सा किसका है, ये पूरा जस्कर का हिस्सा है, या जस्कर में जो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला चल रही थी उसका हिस्सा है। तो हिमालय में भी सबसे ऊंची चोटियां कहां होंगी, ये होगी सबसे ग्रेट हिमालय में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो काठमांडू के पास में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय में नहीं है, ध्यान रखने वाली बात। सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट केटू, माउंट केटू यहां पड़ती है काराकोरम में,
माउंट केटू काराकोरम का हिस्सा है। इंडिया वाले मैप के अंदर या इंडिया की जो बाउंड्री दिखाई देगी उसके अंदर जो है वो काराकोरम यहां पर दिखाई दे जाएगी, केटू, माउंट केटू यहां पर। इंडिया का मैप मत देखना, जम्मू कश्मीर वाले में दिख जाएगी। यहां इधर नॉर्थ में इस वाले एरिया में यहां मिलेगी माउंट केटू। ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है बट ये हिमालय में नहीं है, ये काराकोरम में। और मैंने बताया काराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो ये हिमालय में नहीं है। ये काराकोरम में है मतलब ट्रांस हिमालय में, हिमालय में नहीं है। थर्ड हाईएस्ट पीक जो कि वर्ल्ड की है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम की बॉर्डर पे, सिक्किम की बॉर्डर पे। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कंचनजंगा नेशनल पार्क यहां पे सिक्किम बॉर्डर पे, काठमांडू के पास में ही माउंट एवरेस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कंचनजंगा हो गई, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड केटू हो गई। इंडिया की हाईएस्ट पीक केटू है, क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां जाता है? नेपाल में। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमें मिल गई जस्कर माउंटेन रेंज। जस्कर माउंटेन रेंज से बस थोड़ा सा नीचे आते ही अपने को एक और माउंटेन रेंज मिल जाएगी, अगली माउंटेन रेंज जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल। पीर पंजाल सेकेंड माउंटेन रेंज है, जो मिडल हिमालय है यानी कि बीच वाले जो हिमालय हैं उनकी रेंज को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। और तीसरी और सबसे निचली हिमालय की रेंज जो है, जो कि पंजाब से ही दिखने लग जाती है, सबसे निचले हिमालय जिनको कहा जाता है शिवालिक, सबसे निचली हिमालय की जो माउंटेन रेंज है उसको शिवालिक कहते हैं। तो हिमालय जो है तीन फोल्ड में है। सबसे ऊंचे हिमालय जो हैं उनको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। फिर है मिडल हिमालय जिनको पीर पंजाल और धौलाधार कहा जाता है इस एरिया में। ठीक है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार कहते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह में। और सबसे निचले इलाके हैं शिवालिक, सबसे निचले हिमालय शिवालिक, जो बिल्कुल मैदानी इलाके शुरू होते ही या मैदानी इलाके खत्म होते ही शुरू हो जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं पंजाब से लद्दाख जाना चाहूं तो मुझे सबसे पहले शिवालिक दिखाई देगी, पठानकोट वगैरह के आसपास जो पहाड़ दिखाई देते हैं, लुधियाना वगैरह से जो पहाड़ दिखाई देते हैं, जो शुरुआती हिल स्टेशन है शिमला वगैरह, वो सब इन्हीं इलाकों में बसे हुए हैं शिवालिक में। फिर मैं इससे जैसे आगे बढ़ता हूं तो मैं घाटी में पहुंचता हूं जो शिवालिक और पीर पंजाल के बीच है, जहां पर है जम्मू, जहां पर है देहरादून। इस तरीके की जो घाटी में बचे हुए शहर है वो मिलेंगे। फिर और ऊपर जाऊंगा तो पीर पंजाल को पार करके पहुंचूंगा तो श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। तो पीर पंजाल और जस्कर के बीच में श्रीनगर घाटी, और ऊपर जाऊंगा तो लद्दाख पहुंच जाऊंगा। तो हमें जो है वो हिमालय नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस तरीके से डिवाइड हो सकता है कि सबसे पहले हमें मिलेगी
काराकोरम रेंज, फिर मिलेगी लद्दाख रेंज, फिर मिलेगी जस्कर, जस्कर के बाद में पीर पंजाल और फिर में शिवालिक। इस तरीके से हिमालय को जो है वो तीन हिस्सों में ऊपर से नॉर्थ तक, नॉर्थ से साउथ की तरफ बांटा जा सकता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन जो इंडिया में मिलते हैं वो है राजस्थान में, जो कुछ ऐसे चालू होते हैं और दिल्ली तक जाते हैं, जिनको अरावली माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अरावली माउंटेन एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन थे। हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है और अरावली जो है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। हिमालय न्यू फोल्ड है, अरावली ओल्ड फोल्ड है। तो ये जो है वो अरावली अपना ओरिजिनल रूप खो चुके हैं, जैसा हमने एप्लेशियन माउंटेन में देखा था, जैसा हमने स्कैंडिनेवियन माउंटेन में देखा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो समय समय पर जो है वो वेदर पैटर्न, हवा, आंधी तूफान, बरसात, इसकी वजह से इसका ओरिजिनल आकार जो है वो क्या होता गया है, घिसता गया है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और ये अपना वास्तविक रूप खो चुके हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन इंडिया में जो मिलते हैं वो है, फर्स्ट है यंग फोल्ड, सेकंड है ओल्ड फोल्ड। इसके बाद अब हम नीचे जाते हैं तो इंडिया में एक और माउंटेन रेंज, एक और टाइप के माउंटेन हमें मिलेंगे, जो हमें यहां पर मिलेंगे इस वाले एरिया में, विंध्याचल और सतपुरा, दो माउंटेन रेंज मिलेगी। यहां मिला होगा विंध्याचल और यहां होगा सतपुरा। ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ये दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन यानी कि जब पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर टूट आने की वजह से बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो उस वाले कंडीशन के अंदर आसपास के मुकाबले में बीच वाले पहाड़ जो है वो ऊपर उठा हुआ होता है, इसी वजह से जो पहाड़ बनते हैं उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। जब अर्थ की क्रस्ट में प्रेशर होने की वजह से उसमें फॉल्टिंग आ जाती है, उसमें टूट आ जाती है और बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उस वाली कंडीशन में जो बनता है उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। हाँ, और इनके बीच में जो वैली बनती है उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, इस बारे में, बट फिलहाल इंडिया में ये तीन तरीके के माउंटेन्स मिलते हैं। तो पहला रीजन जो माउंटेन है वो है हिमालयन माउंटेन। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन जो है वो थे, क्या थे, यंग फोल्ड माउंटेन थे, या अभी भी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। किस तरीके से बने, ये लेयर के फोल्डिंग होने की वजह से बने, क्रस्ट के फोल्ड होने की वजह से बने। पहले यहाँ पे 33 सागर था, 33 सी था, इस वजह से ही नेपाल में अभी भी हिमालय में जो एवरेस्ट है उसको सागरमाथा बोलते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा मिलेंगे और मिनरल्स वगैरह और ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, मिट्टी पथरीली मिलेगी, रॉकी टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी।
अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रीजन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं द प्लेन। यहां से लेकर पूरा पंजाब से ये वाला पूरा एरिया ये द ग्रेट प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। मैदानी इलाके हैं ये पूरे। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया ये नदियों के बहने की वजह से बने। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल नदियां बहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जैसी महान बड़ी नदियां बहती हैं जो हर साल अपने साथ में नई मिट्टी ले के आती हैं और इस जगह को उपजाऊ बनाए रखती हैं। और इसी वजह से ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है अपने को, एल्यूवियल सॉइल। इनको द प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिया, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बोल सकते हैं अपन इनको। यहां पर मेजरली एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। ये दो टाइप की होती है, ओल्ड जिसको हम कहते हैं भांगर और न्यू खादर। ओल्ड एल्यूवियल को कहते हैं खादर, भांगर और न्यू एल्यूवियल को कहते हैं खादर। ओल्ड मतलब जो तकरीबन 50-60 हजार साल से ज्यादा पुरानी मिट्टी है। न्यू एल्यूवियल है जो उसके बाद की है, जो अभी भी डिपॉजिट हो रही है नदियों के अभी भी किनारे के आसपास वाले इलाकों में, जो अभी भी इकट्ठी हो रही है। मिट्टी अभी भी लेकर आती है नदियां, बाढ़ आती है जिससे ये इलाके भर जाते हैं, वो मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से ये उपजाऊ बने रहते हैं। तो नदी अपना प्राकृतिक ही काम कर रही है, नदी कोई अलग चीज नहीं कर रही है। बस इंसान आके वहां गलत जगह बस गए हैं जहां पे नदी का पानी ही भरता है। उस पानी के बढ़ने की वजह से ही ये इलाके फर्टाइल हुए हैं ना, ये बने ही उस वजह से। तो ये बने कैसे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एरिया ही कैसे बना, तो उसके पीछे मेजर रीजन है कि जब इंडिया की प्लेट इधर आकर टकराई नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट से और फोल्डिंग होना चालू हुई, तो फोल्डिंग होने के बाद में हिमालय के फोल्ड होने की वजह से जो ये एरिया था नीचे भी तो हल्का सा हुआ, या यहां पर जो है वो एक तरीके का गड्ढा बना। और इन हिमालयी नदियों के पानी के आने की वजह से, या इधर अब जब पहाड़ ऊपर उठने लगे तो इन पे बर्फ जमने लगी, बर्फ जमने लगी तो इससे पानी की नदियां बनने लगी, और ये नदियां जब इधर आई तो अपने साथ में मिट्टी लाई और वो मिट्टी यहां पर इकट्ठी होती रही हजारों सालों तक। इसीलिए ये इलाके समतल प्लेन एरिया बने। इसीलिए अगर इस एरिया में आप खुदाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नीचे तक पत्थर नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। वहीं आप साउथ इंडिया में खुदाई करोगे तो आपको पत्थर ही पत्थर मिलेगा नीचे। खुदाई करना आसान नहीं है। तो इंडिया के नॉर्थ में जहां हिमालय है, माउंटेन है जो फोल्डिंग होने से बने, प्लेन एरिया जो है वो मिट्टी के इकट्ठे होने से बने,
जो उसके बीच में जो गड्ढा बना था उसमें ही इकट्ठे हुए हैं, पानी के साथ में आती हुई मिट्टी हजारों लाखों सालों से इकट्ठी हो रही है यहाँ। और जहां प्लेन खत्म होते हैं वहां पर प्लेट्यू रीजन चालू हो जाता है, जिसको साउथ इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया, जो पथरीला इलाका है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बट यहां पर ये किस वजह से बना, प्लेन एरिया किस वजह से बना, ये इसमें मिट्टी के इकट्ठे होने की वजह से बना। तो ये सबसे फर्टाइल इलाके बनते हैं हमारे देश के, जिनको द प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, हम जिनको प्लेन्स के नाम से जानते हैं अपने यहाँ पे। और ये यहाँ पर पंजाब से लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम के अंदर जो घाटी वाला इलाका है, खासतौर से ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाके जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है घाटी में से असम में, ये पूरा इलाका प्लेन एरिया है और यहाँ पर सबसे अच्छी खेती होती है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड में सबसे अच्छी खेती वाली कुछ जगहों में से एक है ये। यही कारण था कि वर्ल्ड में या इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा संघर्ष इस जगह पे कंट्रोल को लेकर ही हुआ है, लड़ाइयां इस जगह को लेकर ही हुई है, सारे किंगडम यहीं बसे हैं। क्योंकि आपको राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए, अनाज चाहिए, ये सारी जगह यहाँ पे आसानी से होती थी, 3 टाइम की फसलें होती थी। तो कोई भी राज्य जो यहाँ होगा उसके लिए टैक्स इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना आसान होगा, ताकि वो बड़ी सेना चला सकता है। मौर्य काल से लेकर कुषाण हो, चाहे ये गुप्त वंश हो, चाहे फिर उसके बाद में राजा हर्ष हर्षवर्धन हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल हो, सबने इस एरिया पे लड़ाई करने के लिए या इस एरिया पे अपना कंट्रोल करने के लिए लड़ाई लड़ी, और सबकी राजधानी यही थी। सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली जो साम्राज्य रहे भारत के इतिहास में, सब यही थे। ये है द ग्रेट प्लेन्स, द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहां पूरे साल बहने वाली नदियां मिलती हैं। और मेजरली इस एरिया में ही आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। आगे की जो रीजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।